हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सैमसंग का सेट आया है 32 इंच का। ये इसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं UA32F5105AR। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। देखिए दोस्तों, अभी सेट हमने ओपन कर लिया। ये देख सकते हैं आप, ये मदरबोर्ड लगी हुई है इसमें और इस साइड में सप्लाई लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप, इसमें टीकॉन बोर्ड लगी हुई है और इसके जो पैनल में फॉल्ट है ये देख सकते हैं दोस्तों आप। इसके अंदर जो है इमेज डबल हो रही है। एक बार मैं आपको वीडियो लगा के चेक करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह की इसमें पिक्चर आ रही है, डबल डबल सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको जो है चेक करेंगे कि इसमें कहाँ पे फॉल्ट है। देखिए दोस्तों, ये इसमें टीकॉन बोर्ड लगी हुई है, फुल एचडी पैनल है ये। अभी हम इसकी जो है एक एक FFC केबल है जो ओपन करके देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारा पिक्चर ओके होता है नहीं। देखिए दोस्तों, अभी सेट हमने ऑफ कर लिया है। अभी हम सबसे पहले ये वाली FFC केबल है जो ओपन कर देते हैं और अभी हमने दोबारा से इसमें जो है सप्लाई कनेक्ट की है। देखिए दोस्तों, अभी टीकॉन में लाइट बल चुकी है और हम देखते हैं कि इसमें, देखिए दोस्तों, एक साइड पिक्चर बिल्कुल ओके है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये FFC केबल है, जो इसमें जो ये साइड पे यहाँ पे CKB लाइन होती है, वो शॉर्ट हो चुकी है दोस्तों। अभी हम इसकी जो CKB ट्रैक है उनको ब्लॉक करेंगे यहाँ से और उसके बाद देखते हैं कि हमारा पिक्चर ओके होता है नहीं। देख सकते हैं दोस्तों आप, इसमें मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जो CKB की लाइन दिखाई दे रही होंगी आपको, CKBB1, CKBB2, ये यहाँ तक। अभी हम इनको एक बार ब्लॉक करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो ओके होता है या नहीं दोस्तों। इसके लिए हम टेप का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ये जो टेप आती है दोस्तों, इसका इस्तेमाल करेंगे हम कटिंग करके। हम इसको यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं और यहाँ से जो है एक साइड की कॉफ उठा के भी हम इसे ओके कर सकते हैं दोस्तों। पहले हम यहाँ से ब्लॉक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सेट हमारा ओके होगा या नहीं। देखिए दोस्तों, अभी हमने ये टुकड़ा ले लिया है। अभी हम इसको ब्लॉक करेंगे यहाँ से CKB लाइन को। अभी हम इसको दोबारा से लाइन देके देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे टीकॉन बोर्ड की जो लाइट है ऑन हो चुकी है। अभी हम पिक्चर चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी पिक्चर ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा ही एरिया जो हमारा ठीक हुआ था। अभी हम दोबारा से CKB लाइन की जो है सेट, देखिए दोस्तों अभी लाइट आ चुकी है हमारे टीकॉन बोर्ड में और पिक्चर हमारी वैसे की वैसी है दोस्तों, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ से ब्लॉक करने से जो है ओके नहीं हुआ सेट। अभी हमने इसकी जो है PCB ओपन कर ली है
यहाँ पे इसके और सी के बी के ट्रैक आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हम इसको ओपन करेंगे SMD गन की मदद से। दोस्तों अगर वहाँ से हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से हमारा 100% जो है फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों हमने एयर को रखा है 3 पे 3.5 के करीब और जो हीट को है 200 पे रखा है। अभी हम इसको ओपन करके दिखाएंगे आपको और उसके बाद देखते हैं कि फॉल्ट हमारा क्लियर होता है या नहीं। हम इसके लिए कार्ड की मदद लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों अभी हमारी सी के भी लाइन जो है यहाँ से कट चुकी है। अभी हम सेट ऑफ देखते हैं एक बार ऑन करके। देख सकते हैं दोस्तों सेट ऑन हो चुका है। अभी हम इसकी पिक्चर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों पिक्चर बिल्कुल ओके हो चुकी है। अभी हम इसमें आपको वीडियो लगा के चेक करो दोस्तों। अभी हमने इसमें जो है वीडियो लगा दी है और आपको पिक्चर चेक करवा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों पिक्चर बिल्कुल ओके हो चुका है। ये सैमसंग का वही सेट है हमारा। देख सकते हैं कोई लाइनिंग वगैरह इसमें जो है शो नहीं हो रही है दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और सॉफ्टवेयर के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।